हेलो एवरीवन। तो चलिए आज मैं आपको सीजी फॉरेस्ट का जो 1484 पोस्ट आया है इसको कैसे आप स्टेप टू स्टेप फिल करेंगे वो बताऊंगा। तो सबसे पहले आप गूगल में जो है सीजी फॉरेस्ट जो है सर्च कर लेंगे। यहाँ आने के बाद में आपको दो वेबसाइट दिखेगा, फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला है इस पर क्लिक करेंगे या डायरेक्टली आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो इसमें ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास ओपन होगा, ठीक है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में थर्ड में लिखा हुआ है कि वन रक्षक के हेतु सीधी भर्ती का विज्ञापन, क्लिक करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए विज्ञापन, अगर आप देखना चाहें तो विज्ञापन को देख सकते हैं या ऑनलाइन के लिए, कि हम अभी यहाँ पे ऑनलाइन करके दिखाएंगे। ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको बेसिक जो आपका 10वीं के हिसाब से ही भरा कीजिए, क्योंकि उसी में ही 10वीं 12वीं के हिसाब से फॉर्म को फिलअप कीजिए, वे जैसे लिखा रहता है अगर आधार कार्ड में जैसा है वैसा आप कीजिए, क्योंकि सेम होना चाहिए, वेरिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं जल्दी से नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड सब चीज़ सेट कर देता हूँ। तो ये देखिए आपको सबसे पहले वन रक्षक के लिए यहाँ पे आपको एक नॉर्मली रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है, आपका नाम क्या है ये पूछ रहा है, फुल नेम डालने बोल रहा है। देखिए फुल नेम का मतलब ये कि आपके जैसे सर्टिफिकेट में नाम लिखा है वही डालना है, ठीक है। अगर किसी का सरनेम नहीं लिखा है तो सरनेम नहीं डालना है। मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, मोबाइल नंबर भी ऐड कर दिया, ईमेल आईडी भी डाल दिया हूँ, पासवर्ड भी सेट कर दिया और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। अब यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर दिया उसमें एक कोड जाएगा जो वेरीफाई करवाएगा। तो इस ओटीपी को मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, क्या दिया है 681772, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई होने के बाद में ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे वन मंडल राजनांदगांव चॉइस कर लिया, जिसमें टोटल 48 पोस्ट है, ये नोडल दुर्ग के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आपका नाम जो आपने फिल किया था, पिता का नेम, माता का नेम, ठीक है, और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो है 10वीं की मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो मैंने जो है अपलोड कर लिया है, देखिए तो यहाँ से मुझे एज पता चल गया। ऑटोमेटिक डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, देखिए जो जो अपलोड करते जाएंगे तो एक बार चेक कर लेना कहीं आपने गलत तो अपलोड नहीं कर दिया। तो मैंने जो सही किया तो अपलोड यहाँ चेक कर लिया। उसके बाद छठवां पॉइंट में लिखा है अपना कास्ट किससे आते हैं, ST ST OBC जनरल, जिससे भी आते हो तो एक बार चेक कर लेना। तो मैं चेक कर लिया और उसको अपलोड करना है जाति प्रमाण पत्र को, तो मैंने यहाँ पे अपलोड किया, एक बार चेक कर लिया मैंने, ठीक है। नीचे में यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, जैसे भी आपके एड्रेस, आधार कार्ड जिसमें भी दिया हो पूरा एक बार चेक कर लेना है। छत्तीसगढ़ किस जिले से आते हैं, पिन कोड आपका ये परमानेंट एड्रेस है तो यस कर लेंगे, तो सारा चीज़ सेम चीज़ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो यस करेंगे, तो किस जिले के निवासी हैं, जैसे मैं राजनांदगांव, तो राजनांदगांव का आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, तो मैंने अपलोड कर दिया। तो ये देखिए दिख गया यहाँ से, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे देखेंगे लिंक चॉइस कर लीजिए, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, जो भी जैसा ऑप्शन देता है। आप विवाहित हैं, विवाहित हैं वो डाल दीजिए, भूतपूर्व सैनिक हैं तो नो, यस। अब यहाँ पे आपको जो है 12th का मार्कशीट को अपलोड करना है, 12th डालना है। उसके बाद ये क्या किस में आते हैं, हम CGBSE में आते हैं, सारा चीज़ मैंने जो है लिख लिया और अपलोड कर दिया 10th के मार्कशीट पर। यहाँ पे व्यू पे आप जाके देख सकते हैं 10th का मार्कशीट यहाँ पे दिखेगा। 14 पॉइंट में क्या है वो देख लीजिए, एक मिनट। यहाँ पे 14 पॉइंट में जो है आपका हाइट कितना है, सीना कितना है, फुलाने पे कितना होता है वो डाल देना है। उसके बाद में NCC का सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसी तरह सारे पॉइंट पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय स्तर खेल कूद में आपको कोई प्रमाण पत्र मिला है तो यस करेंगे, नहीं तो नो, ठीक है। इसी तरह और जितने भी, जैसे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का डालेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद फिर भी यहाँ पर देख लीजिए फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है, तो फोटो और सिग्नेचर इस तरह अपलोड हो जाएगा। लास्ट में घोषणा पत्र में क्लिक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर छूटा हुआ था सीना का सेंटीमीटर में, तो मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले नॉर्मली कितना आप जो है चेक कर लीजिए, उसके बाद फुलाने, 5 सेंटीमीटर फुलाना ज़रूरी होता है तो वो डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ठीक है। बाकी सब चीज़ मैंने चेक कर लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू पे करूँगा। जब भी फॉर्म भरेंगे तो ड्रॉप में रखिए, ताकि हर बार ड्रॉप में रहेगा ना तो कम से कम बार बार भरने का टेंशन नहीं रहेगा। देखिए सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल गया, जो जो मैंने इसको फिल किया था सारा चीज़ सबमिट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने सारा चीज़ चेक कर लिया है तो इसलिए सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। सबमिट करने के बाद में आपको सक्सेस का ऑप्शन दिखेगा, तो देखिए सक्सेस हो गया। थैंक यू फॉर ओंकेश्वर, एप्लीकेशन इज सबमिट। आपको मोबाइल नंबर जो दिया उसमें भी मैसेज आ जाएगा, देखिए एप्लीकेशन इज सक्सेस दिख रहा है यहाँ पे,
यही आपको चेक करना है कि आपका एप्लीकेशन सक्सेस दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया जाएगा और ये प्रिंट करके रख लीजिए, काम आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जिसमें भी आप करना चाहें, जैसे A4 पेज में, तो A4 पेज के हिसाब से आप सेव करके रख लीजिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इसी तरह जितने भी फॉर्म आ रहे हैं सभी की जानकारी आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध होते रहेगा।